हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता। मैं मुराज में आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड का एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आई हूँ, और वो है भारत व राजस्थान में महिला सशक्तिकरण योजना। यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन के आता है, और ये पूछा जाता है कि या तो उस योजना से रिलेटिव पूछा जाता है कि ये योजना किस से रिलेटिव है, या फिर उसकी डेट बहुत कम मेंशन में पूछ जाती है, बट पूछ लिया जाता है बहुत बार। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कि वो योजना आखिर मतलब किस उद्देश्य से बनाई गई है। जैसे ये है, इस तरह से उस योजना का एक उद्देश्य होता है, किस उसका मिशन क्या है, उसके अंदर क्या रखा गया है। तो हम आज वन जितने भी इम्पोर्टेंट जितनी इसकी योजनाएं हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की एक भ्रम की स्थिति दूर कर देना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगी हुई हैं या सेकेंड थर्ड जो भी जिस भी प्रिपरेशन में लगी हुई हैं, वो जो कोचिंग संस्थाएं होती हैं जहाँ से वो क्लास ले पा रही हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि इनसे अच्छी जो नोट्स हम जैसे लोग जो YouTube पे डाल रही हैं उनसे अच्छे नोट्स आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। हाँ, एक आध का मैं कह नहीं सकती, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल जो कोचिंग संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि एटलीस्ट 30 मिनट का तो एक भी वीडियो उससे कम का नहीं होता है, मतलब उससे अभाव ही बेशक हो सकता है, उससे कम का नहीं होता है। उसमें स्टार्टिंग के 10 और 15 मिनट्स तो वो ऐसे ही इधर उधर की बातें करने में वेस्ट कर देती हैं। तो आप लोगों के आप 10-15 मिनट तो ऐसे ही आप लोगों ने खर्च कर दिए। फिर उसको आप किस तरह से मेंशन करते हो, किस तरह से अपने नोट्स बनाते हो, उसको सोचने विचारने में किस तरह से आपको वो करना है उसमें आप खर्च कर देते हो। ये बने बनाए नोट्स आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं, उसमें आप मॉडिफाई करके राइट अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और इससे अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत मेहनत करके उनके पास जो पीस होता है वो सिलेक्टेड होता है। एक बार उन्होंने जो नोट्स बना लिए सो बना लिए, और फिर आगे का जो भी फेरबदल होता है वो बहुत कम करती हैं। और आपने देखा होगा कोचिंग संस्थाओं में से क्वेश्चंस भी बहुत कम ही मैच होते हैं, फिर भी आपकी हेडेक है, हम तो चलो अपना डाल ही रहे हैं। लेकिन एक बार आप इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना के देखिए, इनको बार बार रीड करके देखिए, मैं कहती हूँ आपकी ज़्यादा नहीं तो 90% आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप खुद ये सोचेंगे कि यहाँ से कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बन के आ रहे हैं। तो बस आपको सिर्फ अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेशन करके अपने माइंड में बिठाना है, और ये चीज़ जो भ्रम किस्त आपके माइंड में बनी हुई है कि कोचिंग संस्थाएँ हमें ज़्यादा अच्छे अवेलेबल नोट्स करवाती हैं, तो वो आप एक बार कंपेरिजन करके देखिए, नोट्स बना के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। चलो ओके, लिव इट दिस टॉपिक एंड कम ऑन द पॉइंट। आज हम जो देख रहे हैं वो है भारत और राजस्थान में महिला सशक्तिकरण योजना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है अम्ब्रेला योजना। अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं के लिए सुरक्षा व सशक्तिकरण मिशन, इसका उद्देश्य रखा गया है ना, महिलाओं की सुरक्षा। तो जैसे अम्ब्रेला होता है हमें धूप से बचाता है, वैसे ही इस योजना को आप इस तरह से अपने माइंड में बिठा सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। तो ये 22 नवंबर 2017 को इसका लॉन्च हुआ था। फिर सेकंड है नारी व ई संवाद पोर्टल। तो ये वापस आगे इतने इतना कुछ खास नहीं है, तो आप सिर्फ आप ये इसमें ऐड कर सकते हैं कि संवाद पोर्टल वो किससे रिलेटिव, तो वो नारियों से रिलेटिव है, उनकी सुरक्षा से रिलेटिव है। देन थर्ड पॉइंट पे आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018। ये जो विधेयक 2018 पारित हुआ है ये संशोधन के तहत पारित हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी 1872, 1973, 2012 में भी ये विधेयक पारित हो चुकी हैं, और अभी जो विधेयक पारित हुआ है वो 30 जुलाई 2018 को पारित हुआ था। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। जैसे फोर्थ नंबर का हमारा व्यक्तियों का दुर्व्यवहार, ये 26 जुलाई 2018 को पारित हुआ था। तो व्यक्तियों का दुर्व्यवहार भी एक आपराधिक कानून ही होता है, तो सबसे पहले ये कानून लाया गया, उसके बाद ये कानून लाया गया। तो आप इस तरह से इनको इंटरलिंक करके माइंड में इसको बिठा सकते हैं। फिर देन नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए कि 8 मार्च 2010 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई थी। और राज्य महिला नीति, ये भी काफ़ी बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें राज्य महिला नीति 8 मार्च 2000, तो आप इसको इन दोनों को इंटरलिंक करके देख सकते हैं। जो डेट है वो सेम है एंड जो ईयर है वो उसमें डिफरेंट है, तो सिर्फ आपको ये 10 है और ये 2000 है, इसको इस तरह से आप अपने माइंड में बिठाएं। देन नेक्स्ट, राजस्थान राज्य बालिका नीति, यानी राज्य स्तर पर अपने राजस्थान स्तर पर जो बालिका नीति जो इम्प्लीमेंट हुई थी वो 11 जनवरी 2013 को हुई थी।
यानी कि 2013 में, और यह नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का फर्स्ट राज्य है, प्रथम राज्य है, इस बात को जरूर ध्यान में रखें। तो जिसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि जो राज्य बालिका या फिर बालिका नीति है उसको लागू करने वाला कौन सा देश है, सॉरी कौन सा स्टेट है, तो वो है राजस्थान। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो है मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसका लॉन्च हुआ था, और इसके अंदर जो सात पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इस ऐसा पूछा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा जो सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम लागू किया गया था उसके अंदर कौन सा पॉइंट नहीं है या कौन सा है, मतलब उसको कोर्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से उसको घुमा के वो दे सकता है। तो ध्यान में रखें जैसे सुरक्षित मातृत्व इसके अंदर है, उसी से मृत्यु दर में कमी लाना है, जनसंख्या को स्थिरीकरण देना है मतलब उसको स्थायित्व रखना, आगे नहीं बढ़ने देना है, देन बाल विवाहों की रोकथाम करना है, लड़कियों का कम से कम कक्षा में 10 तक तो ठहराव हो, ये उसका मिशन था, महिलाओं को सुरक्षा व सुरक्षित वातावरण दिया जाए, एंड महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाए यानी उनको आर्थिक स्थितिकरण बनाया जाए। तो ये सात जो सूत्र थे वो 2009 के अंदर कार्यक्रम का मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए थे। इनके मैं बार बार कह रही हूँ नोट्स जरूर बनाएं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो, कोचिंग से पढ़ लो, खुद से पढ़ लो, या फिर किसी भी अदर संस्था इंस्टीट्यूट से आप पढ़ लो, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। तो महिला स्वयं सहायता समूह का ये 1997-98 में कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, और ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि महिला स्वयं, काफ़ी बार आता है कि महिला स्वयं सहायता समूह है कार्यक्रम 1997-98 में लॉन्च हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो ये तो पता ही होगा कि 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा, ध्यान में रखिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। फिर देन है राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत। राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि जो छोटे जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको वो कुपोषण का शिकार न हो, उनको हेल्दी फूड टाइम टू टाइम उनको मिलता रहे, इसके लिए चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल की के स्कूलें हों, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हों, या किसी भी लेवल पे किसी भी स्तर पे उनको वो हेल्दी फूड मिल सके, वो कुपोषण के शिकार ना हो पाए, इसके लिए ये हमारे झुंझुनू ज़िले में 18 मार्च 2018 को और इसकी शुरुआत हुई थी। तो मुझे याद है उस समय जब नरेंद्र मोदी जी आए थे इसको लॉन्च करने के लिए, और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पे जाने के लिए, उनसे मुलाकात करने, उनका स्पीच सुनने के लिए। तो ध्यान में रखें कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को झुंझुनू में। ओके, देन है राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण। राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण, इसको इस योजना को शॉर्ट में सबला योजना भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ के सबला योजना का फुल फॉर्म क्या है, तो राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना। ओके, तो राजीव गांधी नाम आपको राजीव गांधी का ध्यान में होगा, पीएम रहे हैं हमारे। देन किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, ये हुई थी 19 नवंबर 2010 को, और पूरे देश के अंदर जो है ये अप्लाई हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ था ये 200 जिलों के अंदर, और राजस्थान के अंदर 10 जिलों के अंदर स्टार्टिंग के अंदर। ओके, देन इस योजना का राजस्थान में शुभारंभ 24 जनवरी 2011 को हुआ था, और बालिका दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको इसके साथ एक क्वेश्चन और बन हमारा क्रिएट हो जाता है कि बालिका दिवस किस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। तब इस बात को कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे मतदान दिवस होता है हमारा 25 जनवरी को होता है मतदान दिवस, उसे एक दिन पहले बालिका दिवस, यानी बालिका जब मैच्योर हो जाएगी तब वो 25 को वोट देने जाएगी। तो आप इस किसी भी तरह से इंटरलिंक करके आप इसको कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट अपना बालिका समृद्धि योजना। ये बालिका समृद्धि योजना केंद्र सरकार की योजना, इसको ध्यान में रखें, बालिका समृद्धि योजना केंद्र सरकार की योजना है, और ये 15 अगस्त 1997 को ये इम्प्लीमेंट हुई थी। देन सामूहिक विवाह योजना व अनुदान योजना 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ये लाई गई थी योजना।
देन विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना ये 1 अप्रैल 2007 को अप्लाई हुई थी। देन नेक्स्ट महिला स्वयं सिद्धि योजना, महिला स्वयं सिद्धि योजना 2016 को हुई थी। एंड महिला वित्तीय शक्तिकरण नारी समृद्धि योजना 2008 को हुई थी। मैंने किस तरह से याद किया है मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है आप किस तरह से मॉडिफाई करती हो उसे। जैसे पहले है महिला को स्वयं सिद्धि योजना, जैसे महिला है उसको अपने पैरों पर खड़ा करें, स्वयं वो अपने काम साध सकी तो अपने पैरों पर खड़ा कराने 2006 में वो पैरों पर खड़ी हुई। देन उसके बाद है अगर वो चाहती है, अगर वो विधवा है, अगर वो चाहती है कि उसका विवाह पुनः हो जाए तो उसके लिए उसको मजबूती देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए विधवा पुनर्विवाह है यानी महिला को दोबारा से विवाह करने के लिए वो मतलब कर सकती है, तो उसकी योजना हुई थी 2007 में। तो 6 और 7 फिर जब उसको सपोर्ट मिल जाता है तो समृद्ध बन जाती है, सशक्त बन जाती है और वित्त उसके हाथ में होता है, धन दौलत उसके हाथ में होता है, सशक्त बन जाती है, समृद्ध बन जाती है। ये हुआ 2008 में। तो इस तरह से आप 6, 7, 8 को ध्यान में रख सकती हैं। ओके, फिर एक है हमारा इसके नीचे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना हुई थी हमारी 2012 में। एक देखो है पीएम मातृत्व वंदना योजना है, आगे आएगा वो 2017 में हुआ था। तो मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैंने उसको किस तरह से याद रखा है। जैसे सामूहिक विवाह योजना है, सामूहिक विवाह योजना 2017 में हुआ था। इट मीन्स विवाह है, विवाह हुआ है तो वो माता तो बनेगी, जाहिर सी बात है। तो माता कब बनी वो मतलब स्टार्टिंग के अंदर उसको विवाह हुआ और 17 में ही वो क्या बन गई, माँ का सुख उसको मिल गया, माँ वो बन गई है। क्लियर है। फिर देखो हमने फर्स्ट ही पढ़ा था अम्ब्रेला योजना। अम्ब्रेला योजना भी कौन से सन में हुई थी, 2017 में हुई थी। अब वो माँ और बच्चे हैं, अब उनको सुरक्षा तो चाहिए ना, मतलब माँ दोनों को सुरक्षा चाहिए। तो ये भी क्या 2017 है, तो ध्यान में रखिए सामूहिक मतलब उनका विवाह हुआ फिर वो माता बनी, फिर उनको दोनों बच्चों को, माँ और बच्चे को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो अम्ब्रेला योजना इस तरह से दो तीनों की कौन सी डेट में हो गई, 2017 में हो गई। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते किसी भी तरीके से। ये मेरा तरीका है, मतलब मैंने एडजस्ट किया है कि माइंड में ये फिक्स नहीं। ओके, देन है इसमें इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, ये मैंने आपको बता दिया है, ये 2012 में हुआ था। और मुख्यमंत्री, फिर है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये 1 जून 2016 को हुई थी। तो 1 जून 2016 के अंदर पहले इस योजना का नाम शुभ लक्ष्मी योजना था, शुभ लक्ष्मी योजना था, बाद में इसका नाम मुख्यमंत्री राजश्री योजना कर दिया गया। देन इसमें 6 किस्तों में कुल राशि मिलती है 50,000 की, जिसमें जन्म और से 12वीं तक की राशि मिलती है। तो जिसमें जन्म जब होता है तब 2,500 मिलते हैं, पहला जन्मदिन होता है तब 2,500 मिलते हैं, फर्स्ट क्लास में होती है तब 4,000 मिलते हैं, देन जब वो 6th क्लास में होती है फिर 5,000 मिलते हैं, 10वीं में होती है तब 11,000 मिलते हैं, 12वीं में होती है तब 25,000 मिलते हैं। इस तरह से 50,000 का कोटा पूरा कर दिया जाता है। फिर अब इसमें केस को क्या है कि भामाशाह योजना से जोड़ दिया गया है अब तो, और भामाशाह तो शायद अब जन आधार योजना में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर भी वो इस तरफ से आ जाएगा। देन जो अभी मैंने आपको वो जो ट्रिक बताई थी पीएम मातृत्व योजना, वो 2017 में इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं व जो नन्हे शिशु होते हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति सुधारने के लिए योजना का वर्णन किया गया था। क्लियर है। देन इसमें है फिर महिला सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम। अब इसमें कुछ ऐसे संरक्षण अधिनियम बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं, तो किसी तरह से आप याद रखें, बट याद रखें क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। जैसे है दहेज प्रतिषेध अधिनियम का बनाया गया था, तो इंडियन लेवल पे ये 1961 को हुआ था ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और फिर राजस्थान में ये 2004 में हुआ था। ध्यान में रखिए 1961 और 2004। फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न उत्पीड़न है उसको रोकने के प्रयास 2000 में हुए थे। फिर घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, तो ये हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को पूरे देश में, 2005 में संरक्षण अधिनियम बना था और इम्प्लीमेंट कब हुआ था ये 26 अक्टूबर 2006 को। और जेंडर प्रतिस्पर्धी बजट 2005 को हुआ था, जेंडर यानी दोनों को इक्वल। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम हुआ था 2006 को। तो आप इस तरह ध्यान में, इन दोनों की इस तरह ध्यान में रख सकते हैं, जेंडर दोनों को इक्वल को माने जाए कि लड़का और लड़की दोनों इक्वल है, और फिर इक्वल है तो उनके विवाह है में भी इक्वलिटी आनी चाहिए, मतलब उनका बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो ये 2005 और 2006 इस तरह आप ध्यान में रख सकती हैं। फिर है राजस्थान महिला अत्याचार निवार अध्यादेश, तो
तो ये हुआ था 2006 में। इधर नेक्स्ट है कुशल मंगल कार्यक्रम का। कुशल मंगल कार्यक्रम इस पर एक मूवी भी बनी है, आपको ध्यान में हो तो, कार्तिक आर्यन है कि समथिंग कुछ है, भूमि की पाडिकर है, आई डोंट नो, बट है इस पर। 11 जनवरी 2005 को और गर्भवती महिलाओं की जटिलता से संबंधित है ये। 11 जुलाई 2015 को और जो गर्भवती महिलाएं जो जटिल कॉम्प्लिकेटेड उनकी जो डिलीवरी होती है उससे रिलेटिव है ये, उसे सलामत अपने घर पे पहुंच जाए। फिर है राहत। अब राहत राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल नेम है राहत। तो ऐसा आ सकता है कि राहत का फुल नेम क्या है, फिर इसका शॉर्ट नेम दे सकते हैं। तो ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 25 फरवरी 2017। अब ये मैंने पीछे आपको एक ट्रिक बताई थी 2017 की, अब 2017 के अंदर एक और ऐड कर लो कि मतलब जब उसके माता तो जब उनको सुरक्षा दी जाती है अम्ब्रेला के थ्रू, तो फिर वो क्या फील करते हैं, राहत फील करते हैं, मतलब उनको सुरक्षा हो जाती है तो फिर वो राहत फील करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सारे ये चार जो हैं ये 2017 में हुई थी। फिर आप पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम 2014 को, 27 मार्च 2014 को, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त करवा दिया है। देना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पुरस्कार, और ये हुआ था 2010 के अंदर राजस्थान में, राजस्थान को मिला था ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पुरस्कार, ये राजस्थान को मिला था अप्रैल 2010 में। फिर मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 2012 को। इस तरह से हमारा जो छत्तीसगढ़ से रिलेटिव जो क्वेश्चन जो हमारा पूरा ऑल ओवर चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते एक लाइक ज़रूर देके जाए। अगर आपके कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू वहाँ पर मैंशन कर सकती हैं। और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि थोड़े फर्स्ट एड के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, फर्स्ट एड की तैयारी अगर आप करोगे तो सेकंड थर्ड की तो ऑटोमेटिक वैसे ही हो जानी है। तो थोड़ा सा टाइम निकालो कुछ भी करके, घंटे 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 मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, इस तरह से अगर थोड़ा सा भी आप उसको सीरियसनेस के साथ करोगे तो हो जाएगा। और खुद के नोट्स अपने हाथों से ज़रूर क्रिएट करिए उनको, और देखिए थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखिए कि आपके लिए बेनिफिशियल है वो चीज़ है कि नहीं है। ओके गाइज, बाय बाय।